नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो है फंक्शनल एनालिसिस का। ये प्रॉब्लम गेट में पूछा गया था, मुझे ईयर याद नहीं है बट आई गेस 2018 में पूछा गया था। तो हमारे प्रीवियस प्रॉब्लम और ढेर सारे प्रॉब्लम्स के लिए इस लिंक को विजिट कर सकते हैं। इसमें मैं डेली एक प्रॉब्लम देता हूँ और इस प्रॉब्लम इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो प्रॉब्लम है, लेट L2 डिनोट द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस व्हिच इज स्क्वायर समेबल। दैट इज, इसका मतलब क्या है स्क्वायर समेबल का, कि जब हम स्क्वायर करेंगे सीक्वेंस का ईच टर्म्स का और उसको सम करेंगे तो वो फाइनाइट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/n सीक्वेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो 1/n का स्क्वायर करेंगे और सम लेंगे तो ये मुझे पता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस सीरीज है ये, देयरफॉर दिस इज लेस देन इनफिनिटी एंड हेंस 1/n सीक्वेंस जो है वो L2 में हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब लेट द कंटिन्यूअस लीनियर ऑपरेटर टी फ्रॉम L2 टू L2 बी डिफाइंड एज दिस, कि हम लोग ऑड प्लेस जो इवन प्लेसेस पे ऑड नंबर डाल रहे हैं। ठीक है, इवन प्लेसेस पे ऑड इंडेक्स डाल रहे हैं, सेकेंड पे 1, फोर्थ पे 3, फिफ्थ सिक्स पे 5th। ओके, हमें क्या शो करना है कि टी स्क्वायर कॉम्पैक्ट है और टी इज नॉट कॉम्पैक्ट। ओके, सो आप यहाँ पे ट्राई कीजिए पॉज करके एंड देन वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, सो आई होप कि आपने सॉल्यूशन को ट्राई किया होगा और होपफुली सॉल्यूशन मिल गया होगा, ये डिफिकल्ट नहीं है उतना। तो यहाँ पे क्या है, पहले हम रिकॉल करते हैं कि एक कॉम्पैक्ट ऑपरेटर होता क्या है। तो अगर मेरे पास टी फ्रॉम एक बना के स्पेस एक्स और कोई भी, यहाँ बना के कोई भी नॉर्म्ड स्पेस भी लेंगे तो चलेगा। ठीक है, एक्स टू वाई है तो हम लोग इसको बोलते हैं कि इट इज अ बना के स्पेस, सॉरी इट इज अ कॉम्पैक्ट ऑपरेटर इफ एक सीक्वेंस हम लेंगे, कोई भी सीक्वेंस एक्स एन में लेंगे जो कि बाउंडेड है। दैट मीन्स एक्स एन का नॉर्म जो है वो लेस देन के है, के रियल नंबर, और इमेज सीक्वेंस जो है उसका एक कन्वर्जन सब सीक्वेंस मिलेगा। तो कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस लेंगे, इमेज जो सीक्वेंस मिलेगा उसका एक कन्वर्जन सब सीक्वेंस मिलेगा, तो हम लोग बोलते हैं कि दैट ऑपरेटर इज कॉम्पैक्ट। ओके, ठीक है। सो और अब एक चीज हम लोग रियल एनालिसिस से रिकॉल कर लें और इवन मेट्रिक स्पेस से भी रिकॉल कर लिए चीज की एक्स एन इज कॉशी, तब हमको क्या होता है उसका एक कन्वर्जन सब सीक्वेंस मिलता है। ओके, एक्स एन है जो कन्वर्जन सब सीक्वेंस, और एक्स एन नॉट कॉशी अगर होगा, एक्स एन अगर नॉट कॉशी होगा तो इसका मतलब हुआ एक्स एन डज नॉट हैव अ कन्वर्जन सीक्वेंस सब सीक्वेंस। ओके, तो हम लोग क्या दिखाएंगे यहाँ पे, तो जनरली जब भी हम लोग को कन्वर्जन सीक्वेंस सब सीक्वेंस का एक्जिस्टेंस दिखाना हो तो हम लोग चेक करते हैं जनरली कॉशी है या नहीं। ओके, क्योंकि कॉशी होगा तो एक कन्वर्जन सब सीक्वेंस मिलेगा ही मिलेगा, और कॉशी नहीं है तो फिक्स है कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही हम लोग लगाएंगे। तो हम लोग पहले यहाँ पे EI इक्वल टू वो जो यूजुअल होता है, आईएथ प्लेस पे 1 है बाकी सारा 0 है। तो EI में क्या, 0² + 0² + 1² + 0² + 0² + 0² ऐसे जाएंगे तो इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया, EI जो है मेरा L2 में हो गया। ठीक है, ओके, अब हम लोग एक सीक्वेंस लेते हैं एक्स एन इक्वल टू E2n-1, इसका मतलब क्या हुआ, X1 मेरा E1 है, X2 मेरा E3 है, X3 मेरा E5 है, X4 मेरा E7 है, ऐसे करके। ठीक है, अब ये सीक्वेंस जो है क्लियरली क्या है, बाउंडेड है, क्योंकि ईच ऑफ एक्स एन जो है वो क्या है, 1, और हर एक का नॉर्म 1 है तो बाउंडेड है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ईच ऑफ एक्स एन जो है इज लेस देन इक्वल टू 1, देयरफॉर एक बाउंड मिल गया एंड हेंस दिस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इमेज कॉशी नहीं है तो क्यों, तो इमेज को देखते हैं, टी ऑफ एक्स वन क्या होगा,
टी ऑफ एक्स एन जो था वो रिकॉल कीजिए क्या था, वो था 0x1 0x3 ऑड ना एंट्रीज जो थे वो इवन प्लेस पे थे। तो टी ऑफ एक्स वन मेरा क्या हो जाएगा, टी ऑफ एक्स वन क्या था, ई वन था, ई वन में क्या है वन वन प्लेस पर है तो वो कहाँ चला जाएगा, सेकेंड प्लेस पे, बाकी सारे जीरो, तो ये ई टू। अच्छा टी ऑफ एक्स टू क्या था, ई थ्री, तो थर्ड प्लेस पे है तो वो कहाँ चला जाएगा, इवन प्लेस पे, नेक्स्ट इवन प्लेस पे, तो फोर्थ प्लेस पे, तो ई फोर। सिमिलरली एक्स एन जो है वो, इसीलिए मैंने ई टू एन वाला, इसीलिए मैंने ऑड ऑड वाला ई आई लिया था सारा, ठीक है, तो ये चला जाएगा टू एन प्लेस पे, तो ये हो जाएगा ई टू एन। ओके ठीक है, सो इसका अब हम लोग देखते हैं इसमें ये क्या है, ईच ऑफ टी एक्स एम माइनस टी एक्स एन निकालेंगे, ये क्या आएगा, टी एक्स एम क्या होता है, ई टू एम माइनस ई टू एन। अब ये क्या होगा, 0 1 0 1 0, इसका नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सम करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो देयरफोर, क्योंकि नॉर्म क्या होता है, नॉर्म ऑफ एक्स एन जो है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो वही चीज स्क्वायर रूट 2, तो ये तो कॉशी नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी दो टर्म का डिफरेंस क्या है, कॉन्स्टेंट है, और वो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, तो ये कॉशी नहीं हो सकता है, ठीक है। देयरफोर दिस इज नॉट कॉशी एंड हेंस टी डज नॉट हैव अ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, और उससे क्या हो जाएगा, टी कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया हम लोग क्या किए, टी ऑफ ई टू एम निकाले, ठीक है, और वहां से हम लोग देख लिए कि वो मेरा हो जा रहा है, क्योंकि वो टी एम टू एम लेंगे तो वो टू एम प्लस वन एफ प्लेस पे वन दे देगा, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे किए हैं, 2 4 2 एम। ओके राइट, अब देखते हैं ऑन द अदर हैंड टी स्क्वायर को अगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या, टी स्क्वायर मतलब टी कंपोज टी, तो टी कंपोज टी तो मतलब टी पे इसको एक्ट करेंगे, बट टी पे इसको एक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 0 x1 0 x3 0, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, सिंस कोई भी सारा जो है इवन ऑड प्लेसेस जो है 0 है, तो इसका मतलब ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो टी स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया, और इसीलिए ये ऑपरेटर ही 0 हो गया, एंड हेंस दिस इज अ कॉम्पैक्ट ऑपरेटर। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया मेरा, कि टी स्क्वायर इज कॉम्पैक्ट एंड टी इज नॉट कॉम्पैक्ट। ओके तो जस्ट मैं यहां समराइज कर दूं, कि कॉम्पैक्ट ऑपरेटर मतलब क्या होता है, कि कोई भी एक बाउंडेड सीक्वेंस लेंगे तो इमेज जो है उसका एक कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस मिलेगा। ओके और यहां पे मैंने क्या किया, जनरली आपको जब भी काउंटर एग्जाम्पल दिखाना हो तो ये ई आई सीक्वेंस हुआ, 1/n सीक्वेंस हुआ, ये सब सीक्वेंस बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। ओके सो थैंक यू, हम लोग कल फिर से मिलेंगे एक प्रॉब्लम ऑन लीनियर अलजेब्रा के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।